हाय फ्रेंड्स, तापूस कॉर्नर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गोकुल पीठा। ये एक बंगाल का रेसिपी है। कभी भी पीठा खाने का अगर आपको मन करे तो आप ये पीठा ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो गोकुल पीठा बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगेगा 2 कप शुगर, 1 बड़ा नारियल, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 कप मैदा, 1/2 कप चावल का आटा, 7-8 इलायची, यहाँ पर मैंने इलायची को कूट कर रखा था, और कंडेंस मिल्क। यहाँ पर हमें 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क लगेगा। मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम ग्रेटेड किया हुआ नारियल डाल देंगे। इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा भून लेंगे। फिर हम इसमें 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाल के नारियल के साथ थोड़ा मिला लेंगे। आप कंडेंस मिल्क के जगह में खोआ भी दे सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून शुगर। मैंने यहाँ पर शुगर यूज़ किया है, आप चाहो तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। और शुगर डालने के बाद इसे 10 मिनट तक कंटिन्यू लो फ्लेम पर चलाते रहना है। तो देखिए 10 मिनट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर इसमें डालेंगे और बाकी चाशनी में डालेंगे, और इलायची पाउडर को देने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम स्टफिंग से थोड़ा हिस्सा लेंगे और चेक कर लेंगे कि गोला अच्छे से बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो गोला है वो अच्छे से बन रहा है और हाथों में भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से बन चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम पीठा के लिए चाशनी तैयार करेंगे। पैन में अब हम 1.5 कप चीनी डालेंगे और इसके साथ हम 2.5 कप पानी डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम जो इलायची पहले रखे थे उसे भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हाई फ्लेम पर चाशनी में 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो चाशनी यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसे ढक्कन दे के साइड में रख देंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें हम 1 कप मैदा और 1/2 कप चावल का आटा डाल देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। घोल हमारा बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ऐसा कि जिससे हमारा पीठा को अच्छे से कोट कर सके। तो देखिए घोल हमारा तैयार हो चुका है और स्टफिंग भी हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसका छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, फिर हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम हल्के हाथों से इसे दबा लेंगे। ऐसे करके हम सब पेड़ा बना लिए। तो अब हम पेड़ा को बैटर में डुबोकर लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब हम एक फॉर्क से पेड़ा को बैटर में डुबोकर कोट कर लेंगे। फिर गरम तेल के ऊपर एक एक करके इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब हम इसे पलट देंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और इसे चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी अभी थोड़ी गर्म है और इसी टाइम में पेड़ा को डाल देना है। फिर हम ऐसे करके बाकी पेड़ा को भी फ्राई कर लेंगे और चाशनी के अंदर डाल देंगे। अब एक चम्मच से पीठा को उलट पलट करके चाशनी में डुबाएंगे। पेड़ा को चाशनी के अंदर आधे घंटे तक छोड़ देना है। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम पीठा को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।